से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशंस साइकल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फीडबैक एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। नाउ व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपरली कैन हेल्प इन फोर्स एग्जिस्टेंस स्ट्रेंथ एंड कैन बी इंक्रीज द रेसिपिएंट्स एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर। मतलब फीडबैक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये जो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए। कई बार हम गलत फीडबैक देते हैं और इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है। अगर हम सही इफेक्ट देते हैं तो रेसिपिएंट, जो मतलब जिस बंदे से हम कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी के बारे में होता है कि ताकि अगर सही फीडबैक दोगे तो अपनी गलतियाँ सुधार सकता है। इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स। इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है मैनेजिंग के अंदर और गोल्स को अचीव करने के अंदर। अगर हम सही फीडबैक देंगे तो अगला बंदा अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो वो उसको ठीक कर सकता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है वहाँ पर। नाउ फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, कि जो बेसिकली जो सेंडर है वो कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है रिसीवर से एंड गेटिंग मैसेज अक्रॉस। व्हाइल ए सेंडर सेंड इंफॉर्मेशन द रिसीवर प्रोवाइड फीडबैक टू द रिसीव मैसेज। मतलब अगर जैसे सेंडर ने कोई भी मैसेज सेंड किया है तो रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है एंड देन उसका फिर वो रिप्लाई करता है, तो जो रिप्लाई है दैट इज अ फीडबैक। ए गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक हेल्पफुल एंड काइंड। मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए फीडबैक, हेल्पफुल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ फीडबैक, कितनी तरह के आपके पास अलग अलग तरह के फीडबैक्स होते हैं। जैसे पॉजिटिव फीडबैक, जैसे नॉर्मल आप थम्स का आज के दिन यूज हो रहा है, इट नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, यानी जो ये जो सिंबल है दैट इज बेसिकली शो कि अगर आपने काम अच्छे तरीके से किया है, इट मीन्स ग्रेट जॉब। I really appreciate you taking that call, कि मुझे बहुत appreciate हुआ कि आपने ये चीज़ें, जैसे कोई students अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो teacher उसको appreciate करता है, तारीफ करता है उसकी। Can you please also share the details? That is a positive feedback. Negative feedback, you keep forgetting to smile at hotel guests best when you are talk to them. मतलब जैसे नॉर्मली बताते हैं कि जैसे इस टाइप का सिंबल्स दिया है इसमें नेगेटिव के लिए, कि जब आप अपने गेस्ट से बात करते हैं तो स्माइल, मतलब स्माइलिंग के साथ यूज करें। नेक्स्ट वन, यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स। आर यू ऑलवेज सो बिजी? आप बहुत टाइम लगाते हैं ईमेल्स का रिप्लाई करने में, क्या आप हमेशा बिजी रहते हैं? नेक्स्ट वन, नो फीडबैक, इट इज ऑल्सो ए फीडबैक इट इन इट्सेल्फ विच इंडिकेट डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज। अगर आप कोई फीडबैक नहीं देते हैं तो इट्स का मतलब आप उसे सहमत नहीं हैं। तो दैट इज द कि आप अगर फीडबैक देना चाहते हो तो प्रॉपर फीडबैक दीजिए। नाउ ए गुड फीडबैक इज वन दैट इज स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिक होना चाहिए। अवॉइड जर्नल कमेंट्स, ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल टू क्लियरली योर स्टेटमेंट, कि एग्जाम्पल के साथ आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्लियर करिए। ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रेदर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउ द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक, कि आप अपने फीडबैक के साथ क्या कर सकते हैं अच्छा। नेक्स्ट वन, टाइमली, कि प्रॉपर टाइम पे फीडबैक देना बहुत जरूरी है। बींग प्रॉम्प्ट इन द की सिंस फीडबैक लॉस इफ इम्पैक्ट टू डिले और टू लॉन्ग, अगर वो बहुत लंबा टाइम चला जाता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। पोलाइटली होना चाहिए, पोलाइटली का मतलब बहुत सिंपली आप बात करेंगे जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं। ऑफरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट, कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए ऑफर करें। फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक, लेट रेसिपिएंट्स नो यू आर एबल फॉर सपोर्ट। मतलब रेसिपिएंट को ये लगना चाहिए कि आप उसकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है। इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब ये इफेक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी है, ये मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इट इज ऑलवेज देयर, इट बूस्ट लर्निंग, लर्निंग में बूस्ट करता है, कि हम अच्छा फीडबैक देंगे तो कोई बंदा अच्छे से हमें समझा भी सकता है।
इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अच्छा फीडबैक आएगा तो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, वो और मेहनत करता है बेसिकली। तो फर्स्ट वन, इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नो दे हैव बीन अंडरस्टैंड फॉर रिसीव, मतलब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से समझी है। मोटिवेट में क्या होता है, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। तो अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट करता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो बंदा अगली बार और मेहनत करता है। एवरी टाइम यू स्पीक टू ए पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक सो इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। अगर हर बार आप बात करते हैं तो फीडबैक कम्युनिकेशन हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। बूस्ट लर्निंग आपको सीखने में बहुत बूस्ट कर सकता है। अगर जैसे किसी बंदे की आप बहुत तारीफ करते हैं काम की, तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट मिले। फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। जो आपकी जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज आवर चैप्टर फीडबैक से रिगार्डिंग, चैप्टर नंबर 4 था हमारा, जिसमें हमने फीडबैक के बारे में यूज़ किया कि फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से हमारे काम को बढ़ा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर जो है स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता है काम करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो प्रॉपरली उस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर